बहादुरगढ़ के कांग्रेसी नेता मोनू जून की हत्या के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान गैंगस्टर सुनील और राकेश के रूप में हुई है। दरअसल झज्जर पुलिस ने दोनों बदमाशों पर इनाम भी रखा था, जिसके चलते स्पेशल टास्क फोर्स ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों पर हत्या के साथ साथ अपहरण के कई मामले दर्ज हैं। 27 सितंबर 2017 को बहादुरगढ़ के झज्जर रोड पर कांग्रेसी नेता मोनू जून की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी ने अपनी गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर झज्जर रोड पर कांग्रेस के युवा नेता मोनू जून की सरेआम हत्या कर दी थी। मोनू जून को 27 गोलियां लगी थी। दरअसल कांग्रेसी नेता मोनू जून से कुख्यात बदमाश अनिल गंजे ने 36 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी और फिरौती नहीं मिलने पर मोनू जून की हत्या कर दी गई। इस वारदात में शामिल दर्जन भर बदमाशों में से अब तक पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी कई बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। डीएसपी कप्तान सिंह ने बताया कि आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर उसे रिमांड पर लिया जाएगा। साथ ही ये भी बताया है कि जल्द ही पुलिस से इनके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। 25/9/2017 को रविंद्र मोनू जून युवा कांग्रेस नेता का झज्जर रोड बहादुरगढ़ में गोलियां मारकर कत्ल किया गया था, जिसमें सुनील उर्फ लाला उर्फ राजेंद्र सिंह जाट, अरुण लूणा माजरा व राकेश उर्फ डन स्वरूप दानंद आरोप लूणा माजरा को आज गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सुनील पर हरियाणा पुलिस की तरफ से झज्जर पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है और राकेश पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। जो इससे पहले सुनील जो है ये बहादुरगढ़ का एक मेन गैंगस्टर है, अनिल गंजा इसका भाई है, बड़ा भाई है। इस उसके कहने पर इसने मोनू जून से 36 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसके संबंध में थाना सिटी बहादुरगढ़ में पहले केस अंकित हुआ था। जो फिरौती ने देने के कारण 25/9/2017 को सुनील लाला ने अपने साथियों राकेश उर्फ दंड, राहुल, प्रवीण, अभिषेक, प्रदीप, परमिंदर, प्रवीण और दीपांशु और सुरेश के साथ मिलकर अपनी माँ राजवंती व अपने भाई अनिल के कहने पर ये रविंदर उर्फ मोनू जून का कत्ल किया था, जिसमें अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और अब इसमें सुरेश वासी बुकड़िया व दीपांशु वासी भादरगढ़ की गिरफ्तारी बकाया है।